अवेरी वॉम वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से बी एल एस सी एल एस एम एल एस कर रहे हैं कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट थर्टीन को जो यहाँ पे मल्टी जो लिंगल कंटेंट है डेवलपमेंट में यूजिंग यूनिकॉड तो इससे पहले हमने आ, कई सारे लेक्चर जो है एम एल आई आई वन जीरो टू से रिलेटेड डाल दिए हैं और ये ब्लॉक थ्री चल रहा है यूनिट थर्टीन है इससे पहले यूनिट ट्वेल्व यूनिट टेन और इवन फर्स्ट यूनिट से ही चलता आ रहा है तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके वो सारे लेक्चर भी देख लें और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे लाइक जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड हो गया या यूनियन सुनैरियो ऑफ स्टैंडर्ड कोड की बात करेंगे और ये वेरी जो यहाँ पे जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम डेफिनेटली थोड़ा ब्रीफ में कवर करेंगे और जो जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको हम थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको यहाँ पे समझाते चलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो पहले वाले हमने यूनिट्स पढ़े हैं वी हैव लर्न अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टूल हो गया टेक्निक्स हो गया वेब कंटेंट डेवलपमेंट हो गया ये सब हमने पढ़ा सर्च कंटेंट में भी इन डिफरेंट फॉर्म स्क्रिप्ट इसके होते हैं इट विल भी वर्थ वाइल टू नो हाउ द जो कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट किया जाता है इन अ कंप्यूटर एंड वेदर द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कोड के द्वारा आर एबल टू एकोमोडेट अदर जो स्क्रिप्ट है पर्टिकुलरली इंडियन कैरेक्टर की बात करें तो इन दिस यूनिट वी विल बी डिस्कसिंग द स्टैंडर्ड कोड विच आर अवेलेबल फॉर हैंडलिंग द स्क्रिप्ट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू इंडियन स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट इस यूनिट को रीड करने के बाद हमें क्या पता चलेगा हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो कैरेक्टर है अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ कैरेक्टर जो रि, रिप्रेजेंट किया जाता है इन कंप्यूटर में लर्न द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड जो कि ए ए एस सी आई आई के बारे में पढ़ेंगे यूनी uni, यूनिकोड के बारे में पढ़ेंगे एंड यूनिकोड के और भी जो लिमिटेशन है ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए सीधे हम यहाँ पे डिस्कशन पे चलते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक जो रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर का विद इन अ कम्प्यूटर इज जो कैरेक्टर है इज़ डिज़ाइन बाई अ सिंगल नंबर वो एक सिंगल नंबर के द्वारा डिज़ाइन किया गया है क्योंकि जो कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड नंबर वो सिर्फ नंबर समझता है और वो भी बाइनरी नंबर जो कि वन और जीरो या जीरो और वन की लैंग्वेज यू समझता है ओनली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो करंट uh, फ्लो है इसके द्वारा बट एक्चुअल जो प्रोसेस है इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स और इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है एज कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट इज़ ओनली अंडरस्टैंड वोल्टेज डेट इज़ ऑन एंड ऑफ़ हम ऑन करते हैं वो समझ जाता है क्या क्या कार्य करना है जिसको हम बूटिंग वाम बूटिंग एंड कूल बूटिंग जिसको बोलते हैं तो जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो वाम बोटिंग होता है सॉरी कोल बोटिंग होता है क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो ऑफ होता है तो उसकी यही लैंग्वेज समझता है और बीच में वो हमारे बाइनरी जो डिजिट हमने जिसके द्वारा प्रोग्राम बनाए होते हैं दिस इज़ वाई अ नोटेशन इज़ डेवलप इसी के द्वारा जो नोटेशन है वो डेवलप किया गया है टू रिप्रजेंट वोल्टेज ऑन एंड ऑफ वन और जीरो रिप्रजेंटली दिस पर्टिकुलरली सिस्टम ऑफ नोटेशन इज़ नोन एज बाइनरी सिस्टम जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया एंड कोडिंग ऑफ कैरेक्टर यूजिंग सच सिस्टम इज़ नोन एज कैरेक्टर कोडिंग उसके अलावा यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस किस कैरेक्टर से क्या क्या चीज़ें हैं कैसे मतलब बाइनरी कोडिंग हुआ है अब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो अमेरिकन वाला नहीं आता है इसको हम इसलिए कवर नहीं करेंगे सीधे हम चलते हैं इंडियन वाले पे तो इंडियन जो सिनेरियो है एन इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज तो आई एस सी सी आई आई क्योंकि आ, इंडिया में इस तरीके की जो चीज़ें हैं यूज होती है तो इसी को हम कवर करेंगे लाइक बी आई एस स्टैंड आई एस एक कुछ नंबर लिए लिखे गए हैं इज़ एट बिट एट बिट कोड के में इट कवर टेन जो आ, इंडिका लैंग्वेजेस हैं डेवलप किया गया था ब्राह्मीस जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के द्वारा इज एन एक्सटेंडेड ए एस सी आई आई इट यूज़ लास्ट जो वन ट्वेंटी एट कैरेक्टर है पोजिशन फॉर कैरेक्टर रिप्रजेंटेशन इन इंडिक्स स्क्रिप्ट इट यूज़ द सेम जो की होता है एस द एस सी आई आई विद uh, जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ये थोड़ा है, मतलब टिपिकल सी चीज़ें हैं हालांकि ये भी नहीं आता है आपके एग्ज़ाम में अगर आपने मतलब कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज होगा तभी आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये समझ में आएंगी तो ए आई एस सी आई आई जो है इज़ नो डाउट अ सोल्यूशन फॉर इंडियन सिनेरियो ये एक सोल्यूशन है इंडियन सिनेरियो का बट वैन इट कम्स टू अ ग्लोबल रिप्रजेंटेशन जब हम ग्लोबल रिप्रजेंटेशन पे आते हैं ऑफ कैरेक्टर वो जो एस अमेरिकन वाला जो इंडियन है फेल टू रिप्रजेंट द कैरेक्टर एट द स्टैच एज बोथ यूजर सिंगल जो जो बाइट कोड है वो यूज़ करते हैं तो इसको भी थोड़ा आप अपने लेवल पे चाहे तो पढ़ सकते हैं बट इस पर टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है यूनिकोड अब इसके बारे में पढ़ते हैं यूनिकॉड क्या होता है तो यूनिकॉड इज़ डेवलप बाई यूनिकॉर्ड तो ये यूनिकॉड के द्वारा ही डेवलप किया गया था कंसोटियम के द्वारा विच इज़ अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन लाइक आई वी एम हो गया आई वी एम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी मतलब यहाँ पर कंपनी है ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया जेरोक्स हो गया गयाल uh, हो गया एक्सेट्रा ये सब इसके द्वारा डेवलप किया गया था कम विद दम विद आउट विद्सटीन बिट कोड के में आता है जो कॉल यहाँ पे जिसको हम यूनिकोड बोलते हैं एज इट इज प्रोमिस टू सर्व ऑल द वर्ल्ड जो स्क्रिप्ट है द प्रामिंग फीचर जो है यूनिकॉड का इज डेट इट कैन भी रिप्रजेंट सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव फाइव थ्री सिक्स uh, कैरेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है द फर्स्ट एवल्यू जो वर्जन है यूनिकॉड का वो 1991 में आया था सिंस दैन टू मोर वर्जन जो है यहाँ पे और आ गया है प्रेजेंट डे में जो कि वर्जन थ्री पॉइंट जीरो के नाम से यहाँ पे देखे जा सकता है यूनिकॉड कम विद इट्स आइडेंटिकल विद आई और इट्स इसका जो बेस है सिक्सटीन विद इनकोडिंग के अंदर है उसके अलावा जो यहाँ पे जानने के आपके लिए है वो और कुछ है नहीं बाकी आप इसको एक बार पढ़ लेना डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ यूनिकोड की बात करें तो आ, इट इज़ सिक्सटीन बिट कोड ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया है फॉर फर्दर जो एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे डिफाइन विच कैन जनरेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू बाइट जो पैकेज है यूनिकॉर्ड इज़ कंसर्न अबाउट जो कैरेक्टर है नॉट ग्राफिक उसके बाद और कुछ खास है नहीं स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बार देख लेना इस, आ, उसके अलावा आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये सब इसके अंदर है तो आप इसको चाहे तो कवर कर सकते हैं ये भी जो यूनिट है ओवरऑल अगर देखें तो एग्ज़ाम प्रिस्पेक्टिव से आपका बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है बहुत ही रेयर आते हैं वेब कंटेंट डेवलपमेंट थ्रू यूनिकॉर्ड वेब कंटेंट कैसे डेवलप होता है यूनिकॉर्ड के थ्रू तो एक दो लाइन में देखते हैं इसको लाइक द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ यूनिकॉड इज मल्टी लैंग्वेज कंटेंट में इसका मतलब यूज़ होता है डेवलपमेंट ओवर इंटरनेट इंटरनेट पे आइडियली वन शुड बी एबल टू राइट इन एनी लैंग्वेज किसी लैंग्वेज में भी लिख सकता है प्रेजेंटली विंडो जो टू टू थाउजेंड है एंड फर्दर जो विंडो एक्स पी हो गया आर यूनिकॉर्ड जो कॉम्प कैप कॉम्पेटल हो गया स्टिल लॉट्स मोर हैज़ टू बी डन ऑन लेनिक्स जो प्लेटफॉर्म हो गया विंडो टू थाउजेंड सपोर्टर हो गया आ, देवनागरी एंड तमिल जो है ये भी सपोर्ट करता है इसमें तो ये सारी चीज़ इसमें दिखाई गई है लाइक देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है राम उसके अलावा है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ यूनिकॉड तो एप्लीकेशन क्या है लाइक मल्टी इनकोडिंग होता है इसमें मल्टी लिंगवेल यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है और मल्टी लिंगवेल यहाँ पे वर्क होता है यही इसका यहाँ पे एप्लीकेशन uh, है उसके बाद है अप्लाइंग यूनिकॉड टू लाइब्रेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये ही मतलब चीज़ है जो कि रिलेट करता है आपको हर चीज़ से तो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी नो डाउट इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है तो इसमें वेरियस लैंग्वेज जो है वो बोला जाता है तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि मनी लैंगवेज आर स्पोकन एंड मैनी स्क्रिप्ट आर यूज और बहुत सारे स्क्रिप्ट भी यूज होते हैं तो अकॉर्डिंग टू वन वन सर्वे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट स्पोक स्पोकन बाई लेस दैन टेन परसेंट यहाँ पे एक सर्वे के द्वारा यहाँ पे देखा गया था कि इंडिया में बहुत सी प्रकार के जो जो लैंग्वेज हैं वो बोले जाते हैं बिसाइड इंडिया होल्ड्स वॉल्यूमिनस जो इंफॉर्मेशन है इन मैनी इन मैनी ऑफ द नेटिव लैंग्वेजेस बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि नेटिव लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेंगे लाइक तमिल हो गया तेलुगु हो गया उड़िया हो गया ये सारे लैंग्वेजेस हैं इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे लाइब्रेरी पर्टिकुलरली डिजिटल लाइब्रेरी कैन रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट तो जो लाइब्रेरी है वो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है लाइक डिजिटल लाइब्रेरी ज़्यादातर जो चीज़ें है उसको होल्ड करके रखता है जिसमें प्रिजर्व भी रहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो ईवन द वेबलोग्राफिक इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रजेंटेड इन द लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट जो बेबलोग्राफिक डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बट वंस यूनिकॉड इज अडॉप्टेड, वन कैन एक्सप्लॉयड द एडवांटेजेस ऑफ जो ट्रांसलेशन है सो डैट डेटा जो है वो ट्रांसलेट होता है व्हेनेवर एंड वेरेवर इट इज़ रिक्वायर्ड जब उसकी ज़रूरत पड़ती है इट इज़ नॉट जो अनकॉमन नहीं है डैट मच ऑफ द जो संस्कृत लिटरेचर है इज अवेलेबल इन डिफरेंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया क्योंकि uh, हर जो लैंग्वेजेस हैं उसके अलग अलग अपने स्क्रिप्ट हैं लाइक संस्कृत की बात करें तो इसके भी बहुत सारे जो यहाँ पे स्क्रिप्ट है जो इंडियन में इंडिया के लैंग्वेज में आपको देखने को मिलते हैं इंडिया में देखने को मिलते हैं इन सच केसेस इवन इफ द संस्कृत टेक्स इज की की वर्ड इज़ यूजिंग देवनागरी वन कैन बी रीड द सेम टेक्स्ट इन इन हिस स्क्रिप्ट लाइक फॉर एग्जांपल तेलुगु में भी वो पढ़ सकता है अगर वो संस्कृत में ही है तो क्योंकि वो ट्रांसलेशन के माध्यम से हो रहा है इन अदर वर्ड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर द टेक्स इन तेलुगू रेदर द देवनागरी स्क्रिप्ट कैन बी ट्रांसलेटेड वही बताया कि उसको ट्रांसलेट कर देता है जो कंप्यूटर होता है वो उस चीज़ को दूसरे लैंग्वेज में इन केस ऑफ मेटा डेटा मेटा डेटा की अगर मतलब की बात करें तो दीमेंट द सीमेंटिकफार्मेसन कैन बी गिवन यूजिंग एक्सएमएल एक्सटेंसीबल मार्केट लैंग्वेज को यूज करता है प्रोवाइडेड डैट लाइब्रेरी जो है वो पटी पार्टी जो प्रैक्टिसिपेटिंग करती है इन द प्रोग्राम शुड हैव देंसेस ऑन द डिफरेंट जो सेट ऑफ टैग है दस कैटलॉग ऑफ वन लाइब्रेरी कैन बी यूज एंड रीड इन अदर लैंग्वेज तो किसी एक कैट एक कैटलॉग को यूज करते हैं किसी लाइब्रेरी में तो किसी अलग लैंग्वेजेस में भी उसको रीड किया जा सकता है तो ये पूरा था यहाँ पे एप्लीकेशन और इसी के साथ अब इसमें प्रॉब्लम भी बताए गए हैं प्रॉब्लम जो एसेट होता है यूनिकोड के द्वारा तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप अपने लेवल पे चाहे तो पढ़ सकते हैं और इसी के साथ ये यूनिट थर्टीन है ये भी हमारा कंप्लीट होता है और ब्लॉक थर्टी जो थ्री है ये भी कंप्लीट हो गया अब हम ब्लॉक फोर के में मिलेंगे आप सभी को और यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो यहाँ से लेके यूनिट थर्टीन था, से लेके यूनिट वन के बीच की बात में बात करें तो आप प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें ताकि हर स्टूडेंट तक पहुँच सके तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद